लोग इनके लिए जान देने को तैयार है, ईस्ट में, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ. व्हाट अ ट्रेनर एंड व्हाट अ मोटिवेटर इज ही इज बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट सेल्स. और वो भी हिप्नोटाइज करते हैं, आपको बता दूं, उनको देखने पहले समझ जाएगा, यू विल गेट हिप्नोटाइज बाय हिम. हां, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा. प्लीज प्रेजेंट आवर मेंटर मिस्टर शुभो तोकर. भास्कर जी को सामने ले आइए. सर वेलकम. सर ग्रेट टू सी यू. या थैंक यू सो मच संजय जी. थैंक यू सर. अभी पूरा अभी तक राहुल जी का पूरा पॉइंट ही नोट कर रहे थे कि अगले वाला मीटिंग में हम उसी को चला दे. बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए आज, सब लिख के लिया. आखिरी वाला स्टोरी तो यस यस दैट वाज दैट इज एवरीथिंग रादर. कंपनी बहुत कुछ देते जाएंगे लेकिन अगर कुछ खेलने के लिए राजी नहीं है. इट वाज अमेजिंग. इट वाज अमेजिंग. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सुब्रतो जी, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग राहुल सर जी, आप ही को सुन रहे थे सर अभी तक बैठ के. एक घंटा पूरा चुपचाप बैठ के नोट किए खाली बैठ के. और संजय जी अब मैं आपको सुनता हूँ. अरे बाप रे, नहीं नहीं आपके सामने नर्वस हो जाऊंगा, आप तो क्विंटी कर जाओ. ओके सो इज इट ओवर टू मी? यस सर, इट्स ओवर टू यू सर, ऑल ओवर टू यू. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच संजय जी. इतने कुछ हमने सुना. ऑनेस्टली मोदी केयर का जो मोमेंटम है, और राहुल जी ने शेयर किया 122 करोड़ और फिर अपना लगभग 2 लाख का ज्वाइनिंग, इसके ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने ना जो प्री कोविड कोविड और पोस्ट कोविड का जो चेंजेस आया है बहुत जल्द उसको समझ गए. और ऑनेस्टली वो एक कहावत है ना कि मोस्ट पीपल वर्क बट सक्सेसफुल पीपल ओनली नेटवर्क. आज लग रहा है कि यहाँ पे नेटवर्क करने लायक लोग तो आ गया है, क्योंकि पिछले करीब 2 ढाई महीना से हम एक ही चीज सुन रहे हैं. और आप लोगों ने तो कम से कम हजारों बार सुने होंगे पिछले 2 महीना में कि ये कोविड के बाद बहुत कुछ चेंजेस आने वाले, दुनिया ऐसे नहीं रहेंगे, दुनिया ऐसे काम करेंगे, इसी हिसाब से चलेंगे. बहुत सारे हमने भी 2 महीना में बहुत सुने. और ऑनेस्टली अपने जो लोगों के साथ इंटरेक्शन, थोड़ा सा स्टडीज और थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस से हमें लग रहा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आके सामने खड़ा हो गया. और इस अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज बहुत सारे लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं. कुछ लोग थोड़ा सा अभी भी स्लो है, लेकिन हो सकता है वो अभी तक ये नेटवर्क मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी, ये जो सिचुएशन करंट चैलेंजेस में क्या अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है, कुछ लोग हो सकता है अभी तक समझ में आने में टाइम लग रहा है, बट कुछ लोग अच्छी तरीके से समझ गए. और ट्रेनिंग तो मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. इफ आई कैन शेयर दिस स्क्रीन, फिर आई जस्ट डू इट. आई कैन, आई थिंक यू कैन सी दिस स्क्रीन. कैन यू सी दिस स्क्रीन? यस सर, वी कैन सी दिस स्क्रीन. यू कैन सी दिस स्क्रीन? यस सर. जब भी मैं ये 2 महीना से लोगों को सुन रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, नॉन नेटवर्क मार्केटिंग का लोगों से बात कर रहा हूँ, और जितने भी आप बात कर रहा हूँ, उतना हमें और भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिलीफ आ रहा है कि अगले 10 साल, मिनिमम 10 साल, मैं तो 10 साल का बात का अभी बात नहीं कर रहा हूं, जो हम देख पाए अगले 10 साल, अगर इंडिया के ऊपर कोई एक इंडस्ट्री राज कर सकता है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री. लोगों का माइंडसेट देखो, जो घर में हम रहते थे वहीं पे रहेंगे, जो गाड़ी चलाते थे वही चलाएंगे, जो रास्ते पे चलते थे वही चलेंगे, जो कपड़े पहनते थे वैसे ही पहनेंगे. वो रुक गया नेटवर्क. क्या रुक गया? हमारा बात तो आ रहा है ना, आप हमें सुन तो सकते हो ना? सो यू ओके? प्लीज कैरी ऑन. या आई कैन हियर यू. आई कैन हियर यू ना? यू कैन हियर मी राइट? You can't see me, not an issue. If you can hear me, that's okay. Okay, तो सब एक ही रहेगा, कपड़े पहनने का स्टाइल, गाड़ी वही चलाएंगे, घर वाले वही रहेंगे, हाँ बीवी भी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा उसमें. चेंज जिसमें होगा कि लोगों का सोच कैसे काम करना है. और मैं जितने लोगों से बात किया उसका जो एक समरी मैं आपको बता रहा हूं, अब जाके लोगों को समझ में आया
और स्ट्रॉन्गली समझ में आया कि लाइफ में एक सेकंड इनकम का कितना जरूरत है, एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम का कितना जरूरत है। बात करो कोई डॉक्टर से जिसका चेंबर में भी लोग कम थे, बात कीजिए वही शू इंडस्ट्री का दुकान शोरूम का मालिक से जिनका शोरूम लास्ट दो महीने से बंद है, किसी से भी बात कीजिएगा, स्टार्टिंग द बिगेस्ट बिजनेसमैन टू ऑटो रिक्शा वाला, सबको समझ में आ गया लाइफ में अभी सेकंड इनकम सोर्स का बहुत जरूरत आ चुका सब में। और मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग ऑलरेडी नेटवर्किंग में नेटवर्किंग कर रहे हैं, नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, मोदी केयर के साथ है, आपके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया ये आप एक बार ही समझ लो। लोगों को सबको समझ में आ गया, कर पाए क्या नहीं कर पाए हम वो बात नहीं उसमें नहीं जा रहे, हम बोल रहे हैं लोगों को समझ में आ गया। जो छह महीना पहले लोगों के पास जाने से ही बोलते थे अरे चेन मार्केटिंग नहीं करेंगे, सेल को बनाने का बिजनेस है और हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो आज हंसी आ रहा है कि जो लोग हमें बताया था कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, उसके बाद आजकल कितना टाइम आ गया ये समझने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या हो गया। जिन्होंने हमें ये बोला था नहीं टाइम ही नहीं है सब देखने का, एक चैलेंज लोगों के पास अंदर से क्या क्या निकाल लिए। हमें उस दिन हंसी आया जब किसी ने बोला कि सर हो क्या रहा है मोदी केयर में, वही आदमी कुछ दिन पहले हमें बताया था कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है सर, इतना बिजी हूं मैं करंट जॉब को लेके कि हमें तो सुनने का भी टाइम नहीं है। हमने उस दिन एक बार बोला था हम भी तो वही कह रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, हमें पता नहीं था उसके बाद ही छह महीने में ये आ जाएंगे कोरोना, लेकिन हम भी वही उनको बोलना चाहते सर आपके पास टाइम नहीं है, हम भी वही बोल रहे हैं और आप भी वही बोल रहे हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम एक चीज सोच के बोल रहे हैं आप एक दूसरे से सोच के बोल रहे, वही आदमी आके बोल रहा है कि हमारे पास टाइम है हमें बताओ सेकंड इनकम कैसे कर सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू सर। लेट मी टेल यू टुडे, अगर वो आदमी उस दिन सोचता ना, वो आदमी अगर उस दिन सोचते जो फुल टाइमर थे अपने ऑफिस के लिए अपने बिजनेस के लिए जो 9 घंटा दे रहे थे उस दिन सोचते तो आज हो सकता है उनका बिजनेस जब बंद है आज उनका घर में इनकम आते रहता। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सेकंड इनकम करने का वही टाइम पे करना है जब आपका फर्स्ट इनकम बहुत अच्छा जा रहा है, जबकि पहला इनकम बहुत ही बढ़िया जा रहा है तभी जाके सोचना पड़ेगा ये सेकंड इनकम का रास्ता भी शुरू करना है। लेकिन गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर हियर इन दिस मीटिंग टुडे, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और जब लोग सेकंड इनकम का सोचेंगे इंडिया जैसे कंट्री में, मैं आपको लिख के दे रहा हूं 99% लोग एक ही इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिस कंपनी का नाम है, क्योंकि ये बिजनेस लंबा छोटा नहीं देखता है, गोरे काला नहीं देखता है, एडुकेटेड अनएडुकेटेड नहीं देखता है, फोर्थ क्लास पास या एमबीए वो भी नहीं देखता है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो सर समझ लो आप लोग किसके कौन सा गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए, तो जब बाय बाय करेंगे ना कोरोना को, तो कुछ दिन में बाय बाय भी करेंगे कोरोना को, एक बार थैंक यू के साथ बाय बाय कीजिएगा कि लोगों को समझा के गया है। वेरी ट्रू सर, लोगों को समझा के गया है सेकंड इनकम सोर्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज। नंबर टू, जो लोग कल तक बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा तो है ना मेडिसिन, है ना डॉक्टर, तब तक ठीक था जब तो उसको खाली पता था कि न्यूमोनिया होने से कौन सा मेडिसिन लिखना है, डायबिटीज होने से क्या लेना है, और टाइफॉइड होने से क्या लेना है, और एक्स होने से क्या लेना है, तब तक ठीक था। आज ऐसे जगह पे लोग को पता ही नहीं है कि वायरस है क्या, अननोन एनिमी के साथ लड़ाई करना पड़ रहा है जिसका कोई मेडिसिन नहीं है, और जैसे ही लोगों को समझ में आ गया इसका तो कोई मेडिसिन है ही नहीं, तब लोग बोल रहे सर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकता है बताओ, कौन सा सप्लीमेंट ले, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए। संजय जी आपने एक व्हाट्सएप भेजा था हमें, याद है जी, बिल्कुल भेजा था राइट, विटामिन मल्टीविटामिन हमें टैबलेट के लिए बताया थे, क्यों आप बोल रहे थे वैक्सीन हमें पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बॉस अपने आप को बचा लो, ये पांचों प्रिवेंटिव सप्लीमेंट ले लो, करेक्ट राइट सर। आज लोगों को पता चल गया मेडिसिन नहीं, मेडिसिन से पहले भी एक स्टेप है जिसका नाम है सप्लीमेंट्स, और आपके कंपनी मोदी केयर में वेलनेस कैटेगरी में इतने सारे सप्लीमेंट्स है, आज बाकी कोई भी कंपनी इंडिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उसके पास इतने सारे सप्लीमेंट्स का वो सोच भी नहीं सकते अगले 2 साल।
क्या अपॉर्चुनिटी को बैठे हुए एक बार सोच लीजिए. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू. नंबर थ्री, जो लोगों का नौकरी चला गया है, हम लोग तो हम बहुत किस्मत वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ है, सब ऐसे किस्मत वाले हैं नहीं, एयरलाइंस इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, एक्स इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री में देखो क्या क्या हो रहा है. कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि करंट अगर जो इनकम सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाए और तीन से चार महीना हमें चलाना पड़े तो कैसे हम फैमिली को चलाए. ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है जिनके पास रिजर्व कैश फंड जीरो था, जीरो था. हमने उस दिन अपने घर से पाटुली, है ना, वैष्णवघाटा पाटुली तक गया मेरा एक दोस्त को कुछ पैसा पहुंचाने के लिए. हमें खराब लग रहा था. हमने बोला तुमने इस दिन रिजर्व फंड नहीं बनाया. बोलते रिजर्व फंड क्या बनाएंगे, रिजर्व फंड बनाने के लिए तो रिजर्व पैसा चाहिए ना, हम तो अपने फैमिली को चलाने के लिए मेरे पास कैश नहीं होता था, रिजर्व फंड कहां से बनाएंगे. इसी आदमी को छह महीने पहले आप जाके समझाते ये रिजर्व फंड बनाने का तरीका है, अगर आप दो घंटा दिन में टाइम दे सकते हो तो बाय गॉड वो आपको क्या बताता आपको ही पता है. इतना बिजी हूं मैं, बिजी पे बिजी हूं मैं, रात को 10 बजे घर आते हैं. वो आदमी उस दिन मुझे पूछ रहा है यार अगर कुछ कैश होता ना तीन चार महीना चल जाता. हमने पहली बार किसी दोस्त को जाके बताया कि एक है इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, ये तुमको रिजर्व फंड कैश फंड क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है. बोलते कब आऊं तुम्हारा घर में समझने के लिए. मैं बता रहा हूं छह महीना पहले इसको बताता ना मेरा मुंह देखना बंद कर देता, वो कभी नहीं देखता. आज घर में बोल रहा है आके वो समझेगा थिंग्स आर चेंजिंग. सर आप लोग बहुत लकी है, आप लोग बहुत लकी है. और अगेन मैं बता रहा हूं वही अपलाइन को जाके सैल्यूट कीजिए जिन्होंने आपको धक्का मार के हाथ पकड़ के खींच के एक ऐसा इंडस्ट्री में लाया था जो इंडस्ट्री फुल प्रूफ है, इंडस्ट्री को कोई कुछ नहीं कर सकता. क्योंकि लॉकडाउन रहे ना रहे टूथपेस्ट फिर भी यूज करेंगे लोग, लॉकडाउन रहे ना रहे राइस ब्रैन ऑयल फिर भी यूज करेंगे लोग, रॉस ब्रैन, लॉकडाउन रहे ना रहे फिर भी आपका मस्टर्ड ऑयल लोग यूज करेंगे और कपड़े भी धोके ही पहनेंगे. तो सर ऐसे कंपनी में आपने आए जिसका नाम है मोदी केयर, जहां पे लॉकडाउन बंद चैलेंज आए या नहीं आए ये चलता रहेगा, क्योंकि चलना इसका खून है, चलना इसका सिस्टम, चलना इसका प्रोडक्शन. और नंबर फोर, लोगों को समझ में आ गया, बहुत सारे लोगों को, अनलेस दे आर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़ा, लेकिन छोटे छोटे लोगों को समझ में आ गया ऐसा कोई बिजनेस हम नहीं करेंगे जहां पे हाई सेटअप कॉस्ट है. मेरा एक दोस्त का बाटा का शोरूम है, उन्होंने बहुत बड़ा एक दुकान लिया था, फ्रेंचाइजी के सिस्टम से चलता था, सैलरी से स्टाफ था, सेटअप कॉस्ट हाई था, फिक्स्ड कॉस्ट हाई था, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा दिया था पूरे दुकान को सजाने के लिए. वो उस दिन बोल रहे थे गलती हो गया, हमें ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए जहां पे हाई सेटअप कॉस्ट है, हम लोग आम जनता है, एवरेज पीपल है. हमें ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए था जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंसेस ज्यादा है. हालांकि हमें ऐसा कोई बिजनेस चूज करना चाहिए था जहां पे ये सब कम है. नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कौन सा ऐसा बिजनेस हो सकता है जहां पे सेटअप कॉस्ट भी कम है, फिक्स्ड कॉस्ट भी कम है, कैपिटल एक्सपेंस भी कम है, रिस्क जीरो है, पाने का बहुत कुछ है. जब ये चारों पॉइंट हमने देखा और ये चारों पॉइंट अगर आप लोगों को अपील करता है तो स्पीड बढ़ाइए काम करने का. मैं खेलेगा खेलना शुरू किया, कुछ लोग है पिच में, कुछ लोग फील्ड तक आ गया है लेकिन अभी तक बैट नहीं पकड़ा. अब खेलो, परफेक्शन का जरूरत नहीं है, हर दिन जो करना. कल मुझे किसी ने पूछा, सुशोभा जी ने मुझे पूछा, और सुशोभा जी को मैंने क्या जवाब दिया, अगर सुशोभा जी मीटिंग में है तो मैं बताता हूँ. सुशोभा जी ने हमें पूछा प्लान का ऐसा कौन सा जगह में काम करना है सर जहां से हमारा इनकम बढ़े. तो मैंने सुशोभा जी को पूछा कि आप सिंपल आंसर चाहते हो या कॉम्प्लिकेटेड आंसर चाहते हो. सुशोभा जी सोचा दो मिनट, बोला कि सिंपल ही दीजिए. बोला सिंपल वंडा है, प्लान में कहां पे काम करने में अगर आप जानना चाहते हो मैं पूरे दिन आपको बताऊंगा, लेकिन पैसा कैसे आता है जानना चाहते हो तो एक ही आंसर है मेरे पास, रोज का काम नेटवर्किंग में रोज करना है. रोज का काम रोज करो, पैसा अपने आप आएगा. जो आपको करना है रोज नेटवर्क मार्केटिंग में वो करो, पैसा अपने आप आएगा. तो हमें हमें अभी
ये देखना है, मैं स्क्रीन को अभी शेयर थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ और मैं आप लोगों से ये बताता हूँ कि डेली का काम अगर डेली नहीं हो रहा है, पैसा कभी नहीं आता। और दुनिया चेंज हो रहा है, न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग जो कर रहे हो, ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हो अपने आप, ऑफलाइन भी रहेगा लेकिन मे बी परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन ज्यादा रहेंगे, बिलिंग ज्यादा होगा, जूम में मीटिंग ज्यादा होगा। अभी भी कोई अगर बोल रहा है कि हमें जूम में मीटिंग करना नहीं आता है, हमें ऑनलाइन बिलिंग करना नहीं आता है, उसका मतलब एक ही चीज है, दुनिया आगे बढ़ गया, आप पीछे पड़े हुए हो। उसके लिए क्या करना है हम नहीं बताएंगे, क्योंकि एडल्ट एजुकेशन आपको पता ही है, इसका मतलब आप पीछे जा रहे हैं। नया वे ऑफ वर्किंग विल चैलेंज द ओल्ड वे ऑफ वर्किंग, कर भी रहा है। न्यू वे ऑफ वर्किंग विल चैलेंज द ओल्ड सेट ऑफ वर्किंग स्टाइल। वाओ, सुपर। जगह पे तो रिप्लेस भी कर देंगे। ट्रू, वेरी ट्रू सर। मैं उस दिन पढ़ रहा था कहीं पे, कोई रिसर्च में बताया कि ये शिफ्ट आता इंडिया में, ये ऑनलाइन सिस्टम ऑफ वर्किंग इंडिया में आता, लेकिन हो सकता है 9 से 10 साल और लगता। सडनली ये चीज 9 साल का चीज को खींच के अभी एक 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 महीना में लेके आया। सुपर। अब बताओ इसके ऊपर कौन चेंज कर सकता है? 9 साल बाद आने वाला चीज 2 महीने में अपनों एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग तो रेस से ही हार जाएंगे, लेकिन कुछ लोग इसी के साथ चेंज होके अपने चेक, अपने टाइटल, अपने सक्सेस रेट ट्रिपल, 4 times, 5 times, 10 times कर लेंगे। कर भी रहे, आप देख ही रहे, देख ही रहे। कुछ लोग रेस से खो जाएंगे, समझ लो। आज अगर चेक मैच दिया है तो चेक मैच को ऑनलाइन से ही आपको अपना ज्वाइनिंग निकालना है। और मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, 2-10 मिनट में चेक मैच पर बात करूंगा, उसके बाद छोड़ देंगे। फिर आगे जाके आप देखो कि कौन सा लीडर्स आएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। 2010 का वर्किंग स्टाइल 2020 में नहीं चलेगा। सही है, हाँ थोड़ा बहुत चलेगा, अभी भी 1-to-1 होंगे, लेकिन देखो जहां पे हम सोच रहे थे कि कहां पे हम लोग, संजय जी कहां मीटिंग करने वाले थे, नेताजी इंडोर स्टेडियम में, 15,000 लोगों का मीटिंग प्लान कर रहे थे, और 15,000 मीटिंग का प्लान करते करते 3 महीना पहले से प्लानिंग हम लोग शुरू किए थे, और हमें पता था कि 3 महीने लग जाता हमें प्रिपरेशन लेने में और इन लोगों को टिकट बेचने में, फिर उनको नेताजी इंडोर स्टेडियम में लाने में कितना मेहनत आप लोगों को जाता, आप लोग ही पता है। 15,000 लोग हम लेके आ जाते, 15,000 लोग एक ही छत के नीचे हम लेके आ जाते। और आज एक लीडर उस दिन बता रहा था, सर 3 दिन में तो हमने 16,000 लोगों का मीटिंग किया, 3 दिन में 16,000 लोगों का मीटिंग किया। यस सर, ज्यादा नहीं। सो ये है कि अब जल्दी चेंज होना है। हम सुबह हर मीटिंग में अभी बता रहे हैं कि संजय जी आपको अगर याद है, पहले हम जब मेमोरी जॉगर बनाते थे, हम बोलते थे 50 लोगों का नाम लिखो, लिखते थे, उसके बाद हम उसको एक स्टेटमेंट देते हैं कि यहाँ पे टिक करो जो लोग आप जल्दी 1 हफ्ते में पकड़ सकते हो, 1 हफ्ते में जिनको मिल सकता है उसको टिक करो, 10-15 लोगों को ऐसे टिक करो ताकि बहुत जल्दी 1 or 2 हफ्ते में उसको मिल ले, करेक्ट। और आज हम जब 50 लोगों का नाम लिखेंगे और नया तरीके से शुरू करेंगे, हम उसको दूसरा वाला टिक देने के लिए नहीं बताएंगे कि दो जो आपका नजदीक है 2 हफ्ते में मिल सकता है उसको पहले टिक करो। हमें पता है जो 100 का 100 नाम लिखा है, 100 का 100 लोगों से हम 2 हफ्ते में मिल सकते हैं। हर एक आदमी को आप मिल सकते हो, लेकिन वो लोग फिर भी पीछे रह जाएंगे जो अपने न्यू स्टाइल को जल्दी अडेप्ट नहीं करेंगे। कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई शहर का बाउंड्री नहीं है, कोई स्टेट का बाउंड्री नहीं है, कोई कंट्री का बाउंड्री नहीं है। अच्छा हुआ कि इससे बांग्लादेश लॉन्च करने से पहले ये आ गया, अब तो आप कलकत्ता में बैठ के बांग्लादेश में जीवीडी बिल्ड करोगे। यही स्टाइल ऑफ वर्किंग है, हम कलकत्ता से लीडर को बुला नहीं पाएंगे ढाका में, उसको भी पता यही स्टाइल ऑफ वर्किंग है। पीपल विल अडैप्ट टू द न्यू चेंज ऑफ, वेरी ट्रू। दुनिया मुट्ठी में बता रहे हैं ना, वो दुनिया मुट्ठी में आ रहा है सर। लंदन भी सर, लंदन भी सर, वही बोल रहा हूँ। मतलब क्यों बोल रहा हूँ, इंडिया वाले सिर्फ ये काम नहीं कर रहे, हर एक कंट्री वाले ये काम कर रहा है। एवरी कंट्री
लोगों को पता है कि इंडिया, अगर कोई कंपनी इंडिया में खोलता है, अगर लंदन में आना चाहता है, वहां का लीडर लंदन में आके और समझाएंगे नहीं, वो दिन चला गया है, अब वो वहीं पे बैठ के चलाएंगे, वहीं पे बैठ के हमको समझाएंगे, और यही स्टाइल ऑफ वर्किंग। मे बी साल में एक बार वो आएंगे मिलने, लेकिन बाकी 12 महीना में 12 बार वो जूम का ही मीटिंग करेंगे। ठीक ठीक ठीक। चेंज इज नॉट अ चॉइस एनीमोर, इट्स अ मस्ट। और चॉइस नहीं है कि हम होंगे नहीं चेंज, चॉइस नहीं है, इट्स अ मस्ट। और मैं एक स्लाइड लास्ट शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि आज लंबा नहीं करेंगे, आप लोग थक गए होंगे। सर आपको अलग से बुलाएंगे पूरे फुल एक घंटे की मीटिंग में। आप जरूर सर, आपके लिए सेवा में तो मैं ऑलवेज हाजिर हूँ। लास्ट स्लाइड शेयर करेंगे ये बताने के लिए कि सोच अगर छोटा होता है तो रिजल्ट भी सोचा छोटा होता है, लेकिन तरीका का, सोच का तरीका अगर सही होता है तो रिजल्ट भी बड़ा आता है। और ये वाला लास्ट स्लाइड है, और ये हम इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि आप लोग अच्छा लगेगा, जो लोग इतने लोग नहीं थके हैं, मैं तो सोच रहा था थक गया। इसे सब सब है। ओके, अब देखो रिसेशन, हम तो कोरोना वाला रिसेशन कभी सोचा नहीं था, लेकिन रिसेशन हमने वर्ड बार बार सुना है। रिसेशन का मतलब यह है जब इकोनॉमी नीचे नीचे की तरफ जाता है, लोग इन्वेस्ट नहीं करता है, नया कंपनी खुलते नहीं है, लोगों का नौकरी चला जाता है, लोग स्पेंडिंग कम कर देता है, टूरिंग कम कर देता है, बाहर नहीं जाते है, कुछ नहीं करता है, रिसेशन में अपना इकोनॉमी नीचे जाता है। ये वर्ड हमने बार बार सुना है। 2008 में जब रिसेशन हुआ था, जब हर कंपनी सोच रहे थे कि अपना हर कुछ स्टॉप कर दिया, कि थोड़ा सा ये ठीक होने दो, अगले साल ठीक हो जाएगा, तब जाके हम अपना कंपनी लॉन्च करेंगे, तब जाके हम स्पीड बढ़ाएंगे, तब जाके कुछ करेंगे। लेकिन दो कंपनी ने उल्टा सोचा था ये चैलेंजिंग टाइम में ही लॉन्च करेंगे, और ये चैलेंजिंग टाइम में अगर हम सर्वाइव कर गए, देखो सोच, अगर ये चैलेंजिंग टाइम में हम सर्वाइव कर गए और चेंज के साथ अगर अपना काम कर पाए, तो हो सकता है कि बड़ा नाम कमाएंगे। वो दोनों कंपनी का नाम है व्हाट्सएप और उबेर। आज व्हाट्सएप, जैसे सुबह नींद पे उठते हो, आपके पास दो चॉइस रहता है, बीवी का मुंह देखे या व्हाट्सएप देखे। लेकिन पहला वाला चॉइस नहीं लेते हो, आप पहले व्हाट्सएप देखते हो। सर रिसेशन में ये लॉन्च हुआ था, जब लोग सोचा भी नहीं था तब ये लॉन्च हुआ था। नंबर टू, 1929, डिप्रेशन का मतलब रिसेशन का बाप। रिसेशन में अगर इकोनॉमी नीचे जाता है तो डिप्रेशन में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। जहां पे लोग सोचना तो दूर, सब कुछ बंद कर देता है। वो 1929 का डिप्रेशन में एक कंपनी ने सोचा कि हम लॉन्च करेंगे डिज्नी चैनल। आज हर घर घर में बच्चे डिज्नी चैनल देखते हैं, लाखों एग्जाम्पल्स है। 1892 में डिप्रेशन में जनरल इलेक्ट्रिक लॉन्च किया, जनरल मोटर्स 1908 में लॉन्च किया, 1911 जब आईटी बिजनेस, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को ये पढ़ा, कहीं पे पढ़ा होगा, 1911 में आईटी बिजनेस का शुरू में फिर गिरने लगा नीचे, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर रहा आईटी बिजनेस। जैसे कंप्यूटर कहीं पे बिठा रहे थे, हर जगह वो बोल रहे थे नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं लाने देंगे। जहां पे लोग सोच रहे थे बिजनेस में घुसे या ना घुसे, और जो लोग घुसे हुए थे वो सोच रहे थे इसको विड्रॉ कर ले, उस टाइम में कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम था IBM। आज वर्ल्ड के 1, 2, 3 कंपनी के बीच में हुआ। HP ने लॉन्च किया। और एक रिसेशन आया था 1957 में, 10 साल बाद जब हमारा कंट्री वो हुआ था, और एक रिसेशन आया था जहां पे लोगों का नौकरी जा रहे थे, लोगों का ट्रैवल बंद हो गया था, कंपनी ने बोला कहीं पे ट्रैवल नहीं करना है, लोगों के पास पैसा नहीं था, फैमिली के साथ वैकेशन नहीं जा रहे थे, टूरिज्म बिजनेस नीचे जा रहा था, होटल में एक भी बंदा जाके रूम नहीं बुक कर रहा था, तब जाके एक कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम है हयात। ओके, चैलेंजिंग टाइम में इन्होंने सोचा अगर सर्वाइव हम कर गए तो हम कर गए। ऐसे फेडेक्स है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसे बहुत सारे चीज। हम तो बोल रहा ये सब कंपनी का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इतने लोग, इतने रिसोर्स, इतने लोगों को सैलरी देना पड़ता था, वो अगर सोच सकते हैं कि चैलेंजिंग टाइम में लॉन्च करके हम अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता है, हम और आप जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मैन पावर नहीं है, किसी को सैलरी नहीं देना पड़ता है, कोई सेटअप कॉस्ट नहीं है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, आप बताओ चैलेंजिंग टाइम में हम सबसे ऊपर क्यों नहीं चले। सवाल आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। हमारे पास तो खोने का कुछ नहीं है, फिर हम सब कुछ दांव पे क्यों ना लगा दे इस टाइम पे। वेरी ट्रू। हम एक दिन आएंगे,
इसका बहुत लंबा है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम न्यू ज्वाइनिंग का बात अभी नहीं कर रहे क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत हो गया। अगले दिन कभी आए तो न्यू ज्वाइनिंग क्यों कंपनी ने न्यू ज्वाइनिंग का चेक मैच दिया, नहीं भी दे सकते। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कोई ऑफर नहीं है, एक बिहेवियर को रिवॉर्ड करने का तरीका। न्यू ज्वाइनी आपका बिजनेस का जान है। अगर किसी ने 10 न्यू ज्वाइनी किया, कल 11 किया, वेरी गुड, परसों 12 वेरी गुड, नेक्स्ट मंथ 13 वेरी गुड, सब सही जा रहा है, एक भी बढ़ गया न्यू ज्वाइनी तो सही जा रहा है अपने को। लेकिन 10 से 9 8 7 हो गया तो ऐसे ऐसे नेटवर्क को हम सिर्फ खो जाते हुए देखते। न्यू ज्वाइनी लाना ये बिजनेस का एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल प्रोसेस है। इसी क्रिटिकल प्रोसेस को, इसी क्रिटिकल बिहेवियर को कंपनी रिवॉर्ड कर रहा है बाय चेक मैच। जो लोग कर रहे हैं उसको कंपनी रिवॉर्ड कर रहा है। इसमें बहुत लंबा जा सकता है। सो आई गिव इट बैक ओवर टू मिस्टर संजय। संजय जी, थैंक यू सुब्रत जी। सर आज आपका ये ट्रायल शो था एंड वी आर इमीडिएटली कॉलिंग यू सर, इमीडिएटली एज सून एज यू गिव अस अ डेट सर, आई जस्ट कॉल यू आफ्टर दिस मीटिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट योर वैल्युएबल टाइम। आप आज आए, आपने शुभ बढ़ाई सर, आपने जो बोला ना वो बहुत दम था उसमें, बहुत दम था। और मैं भी बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, बस थैंक यू बोलने टाइम आ गया है तो मैं अपने लीडर्स को बुलाऊंगा, दो तीन लीडर्स को। सबसे पहले मैं मिस्टर विभास मुखर्जी बुलाऊंगा, हु इज अ ग्रेट लीडर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, हम लोग के बहुत प्रिय लीडर है। तो मैं उनको बोलूंगा सर थैंक बोले राहुल जी के लिए, सुब्रत सर के लिए। थैंक यू राहुल जी और सुब्रत सर, थैंक यू वेरी मच, एक्सेलेंट ट्रेनिंग सर, एक्सेलेंट ट्रेनिंग। और मेरा टीम सर तरफ से एक चैलेंज है जो जून माह में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस होगा, और टीम संजय भाई बागड़िया टीम से तो होगा ही, और जून से दिसंबर हम लोग एक चैलेंजिंग, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्ट्री क्रिएट करेगा सर। और हर महीना आपका सुब्रत सर का ट्रेनिंग लेना जरूरी है सर, आपका ट्रेनिंग होना ही चाहिए, ये रिक्वेस्ट हमारा तरफ से है सर। और वेरी वेरी मेरी मेरी थैंक्स सर ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच।